राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी द्वारा स्थानीय विद्यालय की पुराने विद्यार्थियों की एक बैठक आयोजन किया गया। बैठक के माध्यम से पाठशाला ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसकी कमान रूपेश श्री शर्मा को सौंपी गई। इसके साथ ही कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। कार्यकारिणी को भी बधाई दी गई, साथ ही उम्मीद जताई गई कि भविष्य में स्कूल में होने वाली गतिविधियों और स्कूल के विकास के लिए नवगठित एसोसिएशन बेहतर कार्य करेगी और इस पाठशाला की पुरानी सभी विद्यार्थियों को संपर्क कर एसोसिएशन के साथ जोड़कर स्कूल की बेहतरी के लिए कार्य करना सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की नवनियुक्त प्रधान रूपेश श्री शर्मा ने पाठशाला में ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन का गठन करने और उन्हें एसोसिएशन का प्रधान नियुक्त करने पर स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य, स्टाफ व बैठक में मौजूद सभी ओल्ड स्टूडेंट्स का आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलवाया कि भविष्य में स्कूल की बेहतरी के लिए वे सबको साथ लेकर काम करेंगी। धन्यवादी हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल नरेश राणा जी की कि जिन्होंने हम ओल्ड स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया और हमें एक एसोसिएशन बनाने के लिए प्रेरित किया। तो आज हम ओल्ड स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए थे जो इसी स्कूल से पढ़े हैं, जिसमें हो सकता है फिलहाल मैं सबसे वरिष्ठ थी, जबकि वरिष्ठ और भी हैं स्कूल से पढ़े हुए, तो शायद ये शॉर्ट नोटिस पे बात हुई तो उनको भी मालूम नहीं पड़ा होगा, लेकिन आज की मीटिंग में मैं सबसे वरिष्ठ थी तो इन लोगों ने मुझे प्रेसिडेंट चुना। मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करूंगी कि इस जो संस्था हमारी बनी इसके माध्यम से स्कूल की जो भी गतिविधियां हैं इसके माध्यम से मैं उसमें भी शामिल होने का प्रयास करूंगी और भी जो भी वेलबींग के काम पाठशाला में होते हैं उसमें अगर हमारी तरफ से किसी प्रकार का सहयोग अनुभव के आधार पर चाहिए होगा तो वो भी देने का प्रयास करेंगे हमारी एसोसिएशन। और मैं इनके प्रयासों की सराहना करती हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व उन्होंने इस स्कूल से मतलब अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती के अंतर्गत भी एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें हमारे शहर की वरिष्ठ राजनीतिज्ञ लीला टंडन जी और कृष्णा टंडन जी और हमारे ही बैच में हमारे साथ पढ़ी हुई डॉक्टर प्रिया, मैं और राज मल्होत्रा जी को इन्होंने सम्मानित किया था। तो इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हम भी सब ओल्ड स्टूडेंट्स में ही थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ और अपनी कार्यकारिणी को भी चुनने के ऊपर बधाई देती हूँ। जो भी यहाँ उपस्थित थे उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, यहाँ के स्टाफ का भी, प्रधानाचार्य जी का भी और अन्य स्टाफ का भी।